हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से हाजिर हैं बहुत ही प्यारे से नेक डिज़ाइन के साथ। तो ये कुर्ती के लिए बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, कुर्ती जो है अपनी पहले से कट करके रखी हुई है, ठीक है। तो उसकी नेक की मार्किंग से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अब देखिए, जो हम मार्किंग करने वाले हैं हम कैनवास पे करेंगे। इसको मैंने पहले से ही फैब्रिक के साथ अटैच करके रखा हुआ है। आप भी इसको इसी तरीके से, आप चाहे तो इसको आयरन कर सकते हैं या फिर आप इसको स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर उतना फैब्रिक रखना है जितना आपने बड़ा गला बनाना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर कैनवास ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर चौड़ाई जो इसकी रख रही हूँ 2.5 इंच रख रही हूँ, और जो लंबाई है दोस्तों मैं यहाँ पर 8 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर मनचाही शेप दे सकते हैं। लेकिन ये जो आज की जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ, ये कुछ ही शेप्स में बन सकता है। तो आप उस शेप को आप अपने हिसाब से चूज़ करें जैसा आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल 5 शेप दे रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसको मैंने डार्क भी कर लिया है। तो अब ये देखिए, बीच में से फोल्डिंग के निशान आ गए हैं। तो इसको हमने वापस उल्टी साइड पे करना है और इसके इस तरह से टैप कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, एक हल्की सी लाइन आ जाती है। तो आप चाहें तो इसको डार्क कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डार्क करके दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो आज का जो डिज़ाइन है दोस्तों बहुत ही यूनिक रहने वाला है। अब एक इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बना लें आप, ये देखिए इस तरीके से। आप यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच जितनी चौड़ी चाहते हैं बना सकते हैं। अब उसके बाद कोई भी सर्कुलर चीज़ ले लें और जो इसका हाफ वाला हिस्सा है, लेफ्ट या राइट, वो आपकी चूज़, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप इस तरह से सेमी सर्कुलर निशान बना सकते हैं, जिस भी तरह के, जिस भी साइज़ के आप चाहते हैं, ठीक है। तो आज का जो डिज़ाइन है बिल्कुल यूनिक रहने वाला है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको जो है हमारी कुर्ती है उसके ऊपर सेट कर लेना है। और फिर किनारे किनारे, देखिए मैंने पिंस की हेल्प से इसको पहले सेट कर लिया है कुर्ती पे, ताकि ये मूव नहीं हो। और ये जो हमारा फैब्रिक है वेलवेट का है, तो इसको थोड़ा संभालना मुश्किल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इस डिज़ाइन को बनाएं तो पहले कोशिश करें कि कॉटन के फैब्रिक पर ही बनाएं, ठीक है, जिससे कि सफाई थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। अब देखिए, आधे पर हमने जो सिलाई लगाई है वो हमने सिंपल लगाई है। अब जो आधा वाला हिस्सा है नेक्स्ट वाला, तो उस पर हम ये सेमी सर्कुलर जो हमने कट बनाए हैं उनके ऊपर हमें इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मशीन चलानी है, ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब आपको कटिंग कर लेनी है 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए, ठीक है। और सर्कुलर जो ये आपके निशान हैं, तो इनको जो है स्टिच बिल्कुल कॉर्नर तक आपने इसको कट करना है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है आपने, और साइड में भी कट लगा देने हैं छोटे छोटे से। फिर इसको आपने पलट लेना है इस तरीके से, ये देखिए, ये जो हमारे निशान है, कट वर्क है हमारा, तो इसको भी आपने सीधा कर लेना है सबसे पहले, ये देखिए। मैं इसको अच्छे से सेट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए अभी हो गया है एक सिलाई हमारी। अब तो अब हमने क्या करना है, इसको जो देखिए बैक साइड से भी हमने इसको मोड़ लिया है फैब्रिक को अपने। और अब देखिए इस पर जो हम तुरपाई करेंगे, तो इसके लिए एक जो है कच्ची सिलाई हमें देनी है एक, ये देखिए इस तरीके से। और फैब्रिक को अच्छे से खींच के रखें, नहीं तो यहाँ पर जो है सलवटें आ जाएंगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपने पूरे जो हमारी नेक है उस तरीके से कच्ची वाली सिलाई पूरे पे लगा लेनी है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है।
तो बाद में इसको हम तुरपाई कर लेंगे और ये जो मैंने कच्ची सिलाई करी है इसको हम खोल देंगे बाद में, ठीक है। ये जो सलवटें दिख रही हैं दोस्तों वो सभी निकल जाएंगी जब हम इसमें तुरपाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने एक पेपर पेस्टिंग पे हमारा जो मेन फैब्रिक है वो लगा दिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लूँगी। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है ये वाला स्टेप, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल इसके किनारे किनारे से आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ये देखिए चौक से। और जो इसका सेंटर है दोस्तों यहाँ से आपने एक निशान लेना है सीधा, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि यहाँ से हमें बस अब फिनिश करना है, ये हमारा आधा वाला निशान है, ठीक है। तो अब देखिए इसको आपने हटा देना है इस तरीके से सावधानी से। और अब ये जो हमारे पास हिस्सा बचा है इसको आपने थोड़ा सा डार्क कर लेना है और मैं आपको ये दिखा देती हूँ ड्रॉ करके, ये दूसरी साइड वाला भी इस तरीके से जाएगा लेकिन हमें उधर नहीं वर्क करना है, हमें इस तरफ वाला हिस्सा ही यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर एक इंच या जितना भी आप चाहते हैं यहाँ पर चौड़ाई पट्टी जो आपने देखी होगी तो उसी हिसाब से आपने करना है इसको। तो मैं यहाँ पर जो है एक इंच से कम ले रही हूँ, थोड़ा सा क्वार्टर इंच इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से आप रख सकते हैं दोस्तों, आप अगर ज़्यादा चौड़ाई पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको क्वार्टर इंच से कम भी मैंने इस पर निशान लगा दिया है, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपने ये जो हमारा यहाँ तक तो इस तरीके से आ गया और नीचे की तरफ इसको हमने कैसे मिलाना है, आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, ये छोटे छोटे टिप्स मैं दे रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप कोई और शेप दे सकते हैं, पान शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं या कोन वे में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो आज बनाने वाली हूँ वो मैं बिल्कुल यहाँ पर सीधा बनाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर बटन यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर ही कट करना है, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप इसको सही से सेट नहीं कर पाएंगे अपनी नेक पे। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कोन निकला हुआ है ये आप अपने सीधा कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा बन चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, आप कोई भी कंट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों पाइपिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पाइपिंग पहले से पट्टी बना के तैयार करके रखी हुई है, कुर्ती में इस कलर का जो है प्रिंट है छोटा थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। ये देखिए पाइपिंग जिस तरह से आप बनाते हैं उसी तरीके से आपने लगानी है पूरे में। मैं आपको एक साइड लगाकर दिखाऊंगी, यहाँ पर ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, दूसरी साइड पे आपको खुद ही तैयार करना होगा। ये देखिए हमने सिंगल सिलाई कर दी है, अब हमने इसको मोड़ के वापस से सिलाई करनी है। देखिए हमारी पाइपिंग जो है एकदम खूबसूरती के साथ बनती हुई चली आ रही है, ये देखिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए दोस्तों मैंने दूसरी साइड भी पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है हमारी जो पट्टी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली जो नेक है इसके ऊपर हमने इसको सिलाई कर देनी है इस तरीके से। बिल्कुल देखिए क्योंकि हमने सेम शेप रखी थी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल उसके साथ ही एडजस्ट हो रहा है ये और ये एकदम खिल के आ रहा है हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ नीचे की तरफ से आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है जो खुला हुआ हिस्सा है और फिर इसको वापस से मोड़ के आपने दूसरी वाली साइड पर भी सिलाई लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर आपके लिए एक और टिप है दोस्तों, अगर आप लेस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे हैंडमेड बटन है वो भी मैंने यहाँ पर लगाकर इस पट्टी को और भी खूबसूरत बना दिया है दोस्तों। और आज का ये गला आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।